हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का क्लास 12 स्टेट का पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों का आंसर है 550। क्वेश्चन नंबर टू में आप लोगों का सॉल्यूशन है 133.33। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ पे -1 से लेकर यहाँ पर 1 तक आंसर है। -1 लेस देन आर इक्वल टू आर, लेस देन आर इक्वल टू 1, सी वाला ऑप्शन। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, दैट इज माइनस ही होता है, और यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस, तो माइनस, तो इसका आंसर -0.5 था। नेक्स्ट आप लोगों का 5, द रिग्रेशन लाइन जो होती है वो एक्स बार एंड वाई बार होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन द स्टडी ऑफ रिग्रेशन फॉर द टू वेरिएबल, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वेरिएशन इज शोइंग अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ड्यू टू स्ट्राइक, दैट इज रैंडम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड टू वेस्ट टू अल्टीमेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन, सो ऑप्शन नंबर डी, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी, जिसे हम ऑप्शन नंबर ए, मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए, सो पी बी इज अ व्हाट टाइप्स ऑफ, तो दैट इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में सो इसका आंसर है डी, बर्थ ईयर ऑफ स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर देखिए 12 नंबर में, सो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए पॉजिटिव सीक्वेंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एन इज इक्वल टू 10 दिया था, सो विच इज द वैल्यू माइट बी वैल्यू ऑफ मीन, सो मीन का आंसर क्या आएगा आपका 3, जो आपका टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन एंड वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, सो इसका आंसर है मीन इज इक्वल टू 0 एंड वेरियंस इज इक्वल टू 1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लेफ्ट हैंड साइड एंड परपेंडिकुलर लाइन मीन, सो दैट इज टू साइड 0.5 एंड 0.5, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सो यहाँ पर लेफ्ट साइड का बोला तो ओनली फॉर 0.5। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वेरिएबल इज शोन एंड 20 एंड 4, सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इसका आंसर है 14 एंड 26। वट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 2 10, यहाँ पर देखो एक्स का कोई वैल्यू नहीं है तो 10 का 10 ही आंसर आ जाएगा आपका। वट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 3x⁴ -81x-3, तो इसका सॉल्यूशन है 108। देन आफ्टर 19 नंबर में इसका आंसर आप लोगों का देखो डेरिवेटिव करेंगे ax का, तो x का तो 0 हो जाएगा, दैट इज a हो जाएगा आंसर इसका। एंड यहाँ पर देखो चेन वाला, इफ यू एंड वी आर द टू फंक्शन ऑफ x, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव डियर प्रोडक्ट यानी इनटू वाला, सो u इज इक्वल टू dv अपॉन dx प्लस v इज इक्वल टू du अपॉन dx। सेक्शन बी भी ऑलमोस्ट इजी था, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे बर्नौली ट्रायल्स, यहाँ पे बताना था आपको। एंड दिस सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी ऑलमोस्ट आप लोगों टेक्स्ट बुक के सारे के सारे सम्स थे, ये सम्स भी टेक्स्ट बुक का था ये वाला। देन सेक्शन डी भी आप लोगों को एकदम इजी दिया हुआ था। एंड सेक्शन ई के अंदर आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपी दी थी उसी के अंदर सी वाला 53 वाला 54 एंड 55 तीनों आप लोगों को इजी थे, इसमें से आपको 4 में से 3 अटेंड करना था। देन आफ्टर सेक्शन एफ, जिसमें आपको चैप्टर 1 का दिया था, इसमें डायरेक्टली हमें राइट करना था कि उसका चेंजेस नहीं करना था। एंड देन आफ्टर 57, 58, 59 ऑलमोस्ट सभी आपके टेक्स्ट बुक थे। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा।